तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक फ्रेश वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, अर्ध सरकारी कॉलेज के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए कि आपका कहीं नंबर कम आता है, 200 से भी अगर आपका नंबर कम आता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके पास अर्ध सरकारी कॉलेज का भी रहता है, जो कि लगभग आपके सरकारी के समान ही होता है। 2000 या 3000 रुपए के फीस का अंतर होता है, इससे ज्यादा के फीस का अंतर नहीं होता है, ठीक है। अर्ध सरकारी कॉलेज यूपी के बिल्कुल टॉप 10 अर्ध सरकारी कॉलेज भी हैं, और भी बहुत सारे अर्ध सरकारी कॉलेज हैं जहां पे पढ़ाई आपकी ए ग्रेड की होती है, और इसके साथ ही साथ उसमें प्लेसमेंट जो होता है वो आपका लगभग गवर्नमेंट के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा आपका कैंपस प्लेसमेंट अर्ध सरकारी कॉलेज में देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके हम बताएंगे कि आप जो है अर्ध सरकारी कॉलेज को कैसे ले सकते हैं, कितने अर्ध सरकारी कॉलेज हैं, और किस किस नंबर के स्टूडेंट्स को अर्ध सरकारी कॉलेज मिलेगा। सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल को नए हैं, और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो है 3-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर आपने 400 नंबर में से 300 नंबर से अधिक अगर आपने लाया हुआ है अपने एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, 400 नंबर में से 300 से अधिक अगर आपने नंबर लाया हुआ है, तो आपके पास सरकारी कॉलेज का सबसे शानदार ऑप्शन है। लेकिन कई सारे लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जो पता है कई सारे लोगों के घर के बगल में ही अच्छा अर्ध सरकारी कॉलेज और टॉप का अर्ध सरकारी कॉलेज मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट की वजह से कि हम अगर टॉप के अर्ध सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमें प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। तो अगर आपका 300 से अधिक नंबर है तो आप टॉप 5 के अर्ध सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका गोरखपुर वाला अर्ध सरकारी कॉलेज हो गया, कानपुर का अर्ध सरकारी कॉलेज हो गया, इसके साथ ही साथ लखनऊ में जो एडेड कॉलेज है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। टॉप 5 कॉलेज आपको 300 से अधिक नंबर है अगर आपका, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आपके जितने सारे और आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जो अगर आप चाहते हैं कि टॉप के हमें अर्ध सरकारी कॉलेज मिले, टॉप 10 का अर्ध सरकारी कॉलेज हमें मिले, तो उस स्थिति में आपका जो नंबर रहना चाहिए वो लगभग गवर्नमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपका जो टॉप 10 सरकारी अर्ध सरकारी कॉलेज मिलता है वो उन्हीं स्टूडेंट का मिलता है जो लगभग गवर्नमेंट कॉलेज पाने लायक नंबर आपका ला दिए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका 200 से अधिक है नंबर, ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो 15 से 20 कॉलेज आप लॉक करिए पहली बात, और 15 से 20 कॉलेज लॉक करने के बाद अगर आपका एक कॉलेज में 2 या 3 अगर ब्रांच आपके अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। सिविल पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ना चाहते हैं, आप जिस भी ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग उस ब्रांच के कैंपस प्ले उस ब्रांच में ही अपना काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। अदर अगर आप ब्रांच को चुनेंगे कॉलेज में, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी ब्रांच आपको मिल जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका नंबर 200 से अधिक है तो कम से कम आपके लिए जो है 25 प्लस एडेड कॉलेज को लॉक करना है आपको, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट में, तो आप गवर्नमेंट में ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास 100 से भी कम नंबर है तो आपको क्या करना है, आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कि आपका उस नंबर पे उतने नंबर पे आपका कौन कौन से अर्ध सरकारी कॉलेज खुल रहे हैं और कौन कौन से सरकारी कॉलेज खुल रहे हैं। क्योंकि आपका उस नंबर पे कितने अर्ध सरकारी कॉलेज आपके खुल रहे हैं, ये सारी चीजें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 50 नंबर आ गया है, तो 50 नंबर पे आप अगर लखनऊ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका खुलेगा ही नहीं, है ना। तो काउंसलिंग करने की तो बात ही अलग है। तो 100 से कम में आपका जितना एडेड कॉलेज खुलेगा, सारे एडेड कॉलेज पे क्लिक करके जितने जितने ब्रांच आपके होंगे वो सारे ब्रांच को आपको फिल कर देना है। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सभी एडेड एंड सभी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको बता दूंगा, जिससे आपको पहले यह पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। कुछ कॉलेज में आपकी सीटें बढ़ी हुई हैं, कुछ कॉलेज में आपकी सीटें कम भी हुई हैं, कुछ ब्रांचेस भी बंद हुए हैं,
तो सभी बातों के बारे में आपको जानकारी लेना है। 100 से कम नंबर है अगर आपको, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कॉलेज को गेन कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज को ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए किस कॉलेज में कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, सभी के बारे में जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।